कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि दिखाव, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार्य संवारे, रस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिउर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाए, सहस्र भजन तुम रोष गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राज पद बिन्हा, भगवरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, वीर्योता ही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इंद्र के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई गावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुलभूप सियावर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की। आज के हमारे यजमान है विनोद भाई एंड बबली पटेल, पति महादेव की, संजय रमेश भाई, सब संतन की। आज के हमारे यजमान है विनोद भाई एंड बबली पटेल, संजय भाई, रमेश भाई एंड फैमिली, धीरू भाई, अमीन एंड गीता बेन, उपेंद्र चोलेरा एंड रेखा बेन, हेमलता पटेल एंड मनु भाई, अनिल पटेल एंड मिलन, बाबूभाई वालन एंड शांताबेन, रसिकभाई वालन, दीपक एंड स्वाति पाड़िया, वैदही कांतिभाई वालन, भिखुभाई पटेल सान फ्रांसिस्को। संजय भाई जहां भी हो रहे इधर आ जाए प्लीज। संजय भाई पटेल सिटी सेंटर मोटेल।
जय जय
निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जस जो दायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर विमल जस जो दायक जय जय हनुमान गोसाई।
राजा राम 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 सीता राम राम उन्हीं आदर
कि संत के लक्षण क्या है, ताकि हम अपने जीवन को देखें कि हम भी कभी भगवान करें ऐसे हो सके। इन दिनों में ये व्यासगादी राम कथा के माध्यम से आपके सामने इन सूत्रों की चर्चा कर रही है। अंतिम सूत्रों की ओर गोस्वामी जी हमें लिए चलते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो आदि आदि की चर्चा कल हम कर रहे थे। यदि हमको दर्शन करना आ जाए तो ये पूरी दुनिया विश्वविद्यालय है, और यदि दर्शन करना न आए तो कितने ही महत्व के व्यक्ति के पास हम रहे तो भी शायद चुक जाए। इस दुनिया को खुली आंखों देखने का एक अभ्यास उपनिषदों ने बताया। मैंने कहीं पढ़ा था इमर्सन का वाक्य, आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये वाक्य मुझे बड़ा प्यारा लगा। इमर्सन के नाम ये वाक्य है। उसने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को मिलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि किसी न किसी बाबत में वो मुझसे बड़ा है। किसी भी व्यक्ति को मैं मिलता हूं तो किसी न किसी बाबत में वो मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे हर वक्त लगता है। इमर्सन का वाक्य। अब ये बिल्कुल मैं सोच रहा हूं तो बिल्कुल सही बात लगती है। शर्त केवल इतनी है कि आपके पास द्रष्टव्य हो, आंख खुली हो। और खुली आंख वाला द्वार खोज लेता है, बंद आंख वाला दीवार में भटकता रहता है। यह तो छोटी सी बात लेकिन बड़ी महत्व की बात है। और हम भी अपने जीवन में इसका प्रयोग करें तो कोई भी व्यक्ति मिलेगी इसमें कुछ न कुछ, कोई न कोई गुण तो ऐसा निकलेगा कि जो हमसे ज्यादा बढ़िया है, सीखने योग्य है। मैंने कोई कथा में ये बात कही थी, दोहराऊं या तो नए श्रोताओं को समझ में आए। मक्का की मस्जिद के पास एक नाई, एक हजाम, एक व्यक्ति की दाढ़ी बना रहा था। आधी दाढ़ी बनी है, आधी बाकी है। इतने में बहुत प्रसिद्ध फकीर है जुनैद, वो जुनैद नाम का फकीर वहीं आता है। पर इस नाई को, इस हजाम को कहता है, एक ही बात कहता है कि भैया खुदा के खातिर मेरी हजामत कर दो। और जब ये नाई ने सुना कि इस फकीर ने मुझसे कहा कि खुदा की खातिर, भगवान के खातिर मेरी दाढ़ी बना दो, हजामत कर दो, उसी क्षण उस नाई ने जिस ग्राहक की वो दाढ़ी बना रहा था, आधी हुई थी, उसको कहा मुझे क्षमा करे, आप 10 मिनट बैठिए, मैं फिर ठीक से कर दूंगा, लेकिन अभी ये बाबा आ गए हैं तो पहले उनकी सेवा कर दो। तुम्हारा हमारा थोड़ा समय जाए तो कोई
चिंता भी नहीं, महात्मा का समय मूल्यवान होता है, तो जरा मैं उसकी पहले सेवा कर दूं, फिर आपको ठीक कर दूं। वो उठ जाता है, जुनैद बैठ जाता है और इस नाई ने उसकी दाढ़ी बना दी। जुनैद चला जाता है, फिर जो उनका ग्राहक था उसकी भी उसने बना दी। बनी घटना कहती है, कुछ दिनों के बाद इस जुनैद फकीर को किसी ने कुछ पैसे दिए, मांगता तो नहीं था, ऐसे मिल जाता था निर्वाह के लिए, तो किसी ने कुछ पैसे दिए। जैसे पैसे हाथ में आए तो उसने सोचा कि उस नाई के पास मैंने दाढ़ी करवाई है, बनवाई है, उसको पैसे लौटा दे दे दे। उस समय तो उसने मांगा नहीं, मैंने भी कुछ कहा नहीं, बस मैंने कहा तो बेचारे ने पहले मुझे प्राथमिकता दी और मैं बिना कुछ कहे निकल गया, आज पूरा कर दूं कर्जा। और वो जो मिला था वो लेकर नाई के पास आता है और नाई को पैसे देने जाता है, तब नाई ने सजल नेत्र कहा कि बाबा हम भूल करें तो करें, आप ऐसा क्यों करते हैं। बोले भैया तूने मेरी दाढ़ी बनवा दी तो मेरा कर्तव्य है मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं, उस समय तो नहीं था, मिल गया तो दे दूं। बोले उस समय आपने ये कहा होता कि पैसों के खातिर दाढ़ी बना दे तो मैं पैसा ले लेता, लेकिन उस समय आपने कहा था खुदा के खातिर दाढ़ी बना दे, और जब खुदा के खातिर दाढ़ी बनाने का आपने कहा था तो इसमें पैसा बीच में कहां से आ गया, क्षमा कर दे। जुनैद जिंदगी भर एक बहुत बड़ा महात्मा था ये मुस्लिम धर्म में, लेकिन इतिहास कहता है जिंदगी भर दुनिया में जहां भी प्रवचन उनका होता था वो नाई को याद करता था कि मुझे निष्काम भक्ति एक हजाम ने सिखाई कि निष्काम भक्ति क्या हो, निष्काम सेवा क्या होती है, निष्काम वृत्ति क्या होती है, ये मुझे एक नाई ने सिखाई। कहां नाई का स्थान और कहां इस पहुंचे महात्मा की भूमिका, लेकिन खुली आंख वाले लोग हर व्यक्ति से हर घटना से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इमर्सन ठीक कहता है कि मैं पूरी जिंदगी में किसी को भी मिला इनमें से कोई न कोई बात मुझसे बढ़िया मैंने प्राप्त की। और यह स्वाभाविक है यदि हमारी आंख भी खुल जाए। गोस्वामी जी संत के आज के लक्षण में कहते हैं हम केवल बोलते ही न रहे, हम सुने भी, सबको सुने, इनमें से मिलेगा इनमें से मिलेगा। हम केवल गाते ही न रहें, अवसर आने पर सुने भी, कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ बात प्राप्त होगी। शर्त इतनी है आंखें खुली हो, मिट्टी से महक आएगी, और आंखें बंद हैं, आंखें बंद यानी स्थूल आंख की नहीं, आंखें बंद कभी पांडित्य के द्वारा आंखें बंद हो जाती है, कभी पैसों के द्वारा आंखें बंद हो जाती है, कभी प्रतिष्ठा के नशे में आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, कभी व्यक्ति कहता है मैं पति हूं मैं धनी हूं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, कभी पत्नी सोचती है कि मैं सब कारोबार चलाती हूं मैं ज्यादा कमाती हूं, तब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और ऐसे जब दृष्टि बंद हो जाती है तब आदमी चुक जाता है। क्योंकि जीवन में गीता में ही 18 अध्याय नहीं है, तुम्हारे और हमारे जीवन में प्रतिपल एक एक अध्याय चल रहा है। इन अध्यायों को हम पढ़ना सीखें। शास्त्रों ने डिमडिम घोष किया है, पुकार पुकार कर कहा है कि तुम दृष्टि से सबको देखो ठीक से। हम या तो अंधे हो गए हैं या तो हमको अंधा बना दिया गया। इसमें धर्म ने भी, उसको धर्म कहना कि नहीं वो चर्चा का प्रश्न हो जाएगा,
लेकिन धर्म की गैलछा ने भी हमारी आंखें छीन ली है। आदमी अंध हो जाए ना बाप, तो आज का विज्ञान नई आंख दे सकता है। न जाने कितने कितने अन्वेषण होते हैं। लेकिन आदमी की आंख ही निकाल दी जाए तो फिर क्या करें? इसलिए जागो। और पाओगे कि हर जगह ज्ञान पड़ा है, हर जगह मेरे से कुछ ऊंची वस्तु पड़ी है। अरे बच्चे को देखो, वहीं से भी मिलेगा। हमारी एक मान्यता हो गई कि पंडितों से ही मिलेगा, महात्माओं से ही मिलेगा। हाँ ठीक है, मिलता है वहीं पर, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिसको घर में नहीं मिला उसको बाहर कैसे मिलेगा? इसलिए हमारे शास्त्रों ने पुकार पुकार कर कहा, एक मंत्र का उच्चारण कीजिए। वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान, सुनिश्चितार्थाः, 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 संन्यास, 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 योगात्, 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 यतयः, 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 सत्वशुद्धाः, 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 ते ब्रह्मलोकेषु, ते ब्रह्मलोकेषु, ते ब्रह्मलोकेषु, ते ब्रह्मलोकेषु, ते ब्रह्मलोकेषु, ते ब्रह्मलोकेषु, परांतकाले, 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 परामृताः, 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 परिमुच्यन्ति सर्वे, परिमुच्यन्ति सर्वे, परिमुच्यन्ति सर्वे, परिमुच्यन्ति सर्वे, परिमुच्यन्ति सर्वे, परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मंत्र है कैवल्य उपनिषद का। उपनिषद का नाम है कैवल्य उपनिषद। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, संन्यास योगात यत्यः सत्वशुद्धा। वेदांत के विज्ञान को जो निर्णय पूर्वक श्रवण कर लेता है, केवल वेदांत की भाषिक व्याख्या नहीं, इनके विज्ञान को, इनके सभी सूत्रों को प्रयोगात्मक रूप में जो श्रवण कर लेता है और फिर सन्यास भाव से शुद्ध अंतःकरण करके आगे बढ़ता है, ते ब्रह्म लोकेषु परांतकाले परामृताः, तो वो आदमी अपने जीवन में धीरे धीरे आगे जाता जाता ब्रह्मलोक में अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता, परामृताः।
और ऐसा होते ही सभी बंधनों से वो मुक्त हो। ये मंत्र इसलिए उठा रहा हूं कि उसका प्रधान भाव यही है कि वेदांत को विज्ञान रूप में निश्चय पूर्वक जो सुन लेता है उसकी आंख खुल जाती है, उसके जीवन का अंतिम अध्याय आते 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 वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, परम अमृत का भागी बनता है और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मूल में है आंख खोल करके विज्ञान रूप से जो सुन लेता है, इसके लिए घटता घट जाती है। तो गाओ भी और सुनो भी। गाना तो ठीक है, गा सको तो गाओ, अच्छी बात है, लेकिन सुनने की ही महिमा है। इसलिए आज के सूत्र में भगवान रघुनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा संत वो है जो गाता तो है लेकिन सुनता भी। अक्सर क्या होता है, गाने वाला सुनता नहीं, सुनेगा तो भी अहंकार से सुनेगा, सुनना पड़े मानो। कथाकार होता है, बहुत अच्छी कथा कहता है लेकिन दूसरे को नहीं सुनेगा, कभी सुनने का मौका तो भी अहंकार से सुनेगा कि ये सब तो हम जानते हैं। वो संतत्व नहीं है, पांडित्य हो सकता है। इसलिए बड़ा प्यारा सूत्र आ रहा है, बड़ा सरल सूत्र आ रहा है। बाबा बोलो सुनाई सदा को तीन स्टेप में समझो। भगवान जब बोलता है तब संकुचित बोली में नहीं बोलेगा, बिल्कुल सार्वभौम बोलेगा। अरे भगवान को छोड़िए, तुम परिवार में बाप हो तो बाप की बोली संकुचित नहीं होगी, व्यापक होगी, इसमें पत्नी को, पुत्र को, बेटी को, सबको समाये हुए वो बोलेगा। मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए, ऐसी बात उसके मुंह से नहीं निकलेगी, विवेक की बाप के मुख से। पहुंचा हुआ सदगुरु कभी संकुचित नहीं होगा, उनकी बोली सार्वभौम होगी। अर्जुन के जितने जितने नाम लेकर गीता में संबोधन किया है, क्या व्यक्तिगत संबोधन है?
हां, जरूर अर्जुन का नाम व्यक्तिगत लगेगा, एक व्यक्ति के सामने बात हो रही है, जरूर इसको मैं मानूं, लेकिन जितने नाम लेकर अर्जुन के प्रति संबोधन, ये बड़ा सार्वभौम संबोधन है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कोई और बोलता तो वो करता। पार्थ का अर्थ समझो तो दुनिया में सब पार्थ है। व्याकरण की दृष्टि से, शब्दकोश की दृष्टि से पार्थ का अर्थ लो तो ये दुनिया में सब पार्थिव रूप धारण करते हैं, सब पार्थिव, क्योंकि हमारे में जो जो जड़ तत्व बैठे हैं उसको बिलक बिलक करके कोई अर्थ निकाले तो सब पार्थ है, सार्वभौम संबोधन है। भारत सार्वभौम संबोधन है, अर्जुन सार्वभौम संबोधन है, गुड़ाकेश, जितने जितने संबोधन आप बहुत गीता में थोड़े अंदर उतरेंगे तो पाओगे कि कृष्ण बोल रहा है, बहुत व्यापक अर्थ में बोल रहा है। तो भगवान जब कहते हैं राम जी की, जो मेरी लीला गाता है और सुनता भी है वो संत है। अब मेरा गुणगान गाए वो संत है ऐसा कोई कहे तो ये तो थोड़ी संकुचित बात हो गई। जो कृष्ण पर इल्जाम लगता है वही राम जी पर लगने लगेगा कि मामे कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। और यहां भगवान कहते हैं मेरे गुणगान गाए, मेरी लीलाओं को गाए। कोई आदमी अपने भगत को कहे कि बस भजन में मेरा ही नाम आना चाहिए, मेरा ही भजन गाओ, दूसरों भगवान के नाम आते हो तो भी बदला दो और मेरा नाम डाल दो तो मूढ़ माना जाएगा। कोई अपने भाव से गाले बात और, लेकिन कोई ऐसा कहे कि नहीं तू मेरी लीला ही गाओ तो तू संत, और मेरी लीला ही सुनो तो तू संत, तो जरा भद्दी बात लगती है। लेकिन मेरी समझ में उतर रहा है कि प्रभु का अर्थ यहां ये है कि इस संसार में जो जो घट रहा है सब मेरी ही तो लीला है, जो हो रहा है उनकी ही तो लीला है, वो यही सोई जो राम रची राखा। तो एक तो उनकी लीला मानी, उन्होंने धरती पर आकर अवतार कार्य किया और इनमें जो प्रसंग हुए इन लीला का वर्णन, दूसरा इस व्यापक सृष्टि में जो जो घटना घट रही है वो सभी मेरी लीला है। पर आदमी गा तब सकता है जब शिकायत का भाव मिट जाए, जब फरियाद की वृत्ति मिट जाए तभी आदमी गा सकता है। इसका मतलब मेरी समझ में ये उतर रहा है कि प्रभु ने कहा कि संसार में जो जो घटना घटे उसको मेरी लीला समझकर कोई शिकायत न करे, लेकिन उसको गाए कि दाता तेरी कृपा है, तूने ये घटना घटाई वो भी तेरी लीला। दूसरों पर कुछ गुजरती है तो हम कहते हैं भाई भगवान की लीला है, पर खुद पर गुजरती है तो कहते हैं अरे भगवान ने ये क्या कर डाला। गान का अर्थ है शिकायत शून्य चित्त, फरियाद से मुक्त चित्त, जिसका हो वो ही गा सकता है। फिर भजन में कोई शिकायत हो वो तो प्रेम की चुटकी होती है और कोई बात नहीं होती। एक ही बात समझ लो, शिकायत से मुक्त चित्त, फरियाद से मुक्त चित्त ही लीला गान कर सकता है। जिस चित्त में शिकायत पड़ी है वो पूर्वग्रह युक्त हो गया चित्त, और जिसके जीवन में पूर्वग्रह है वो प्रभु की लीला का गान कभी नहीं कर सकता। सुखदेव जी मुक्त है पूर्वग्रह से, इसलिए लीला गान करते।
सही अर्थ में भगवत गुण वही गा सकेगा जिसका चित्त शिकायत और पूर्व ग्रहों से मुक्त है। एक एक बात समझिए, शिकायत भरा चित कभी गा नहीं सकता, पूर्वग्रह मुक्त चित ही गा सकता है। भवानी ने कथा नहीं गाई, शिव ने कथा गाई। क्या मतलब? हां, अच्छा है कि भवानी श्रोता बन सकी लेकिन गा नहीं सके, क्योंकि पूर्व में उसका चित्त पूर्व ग्रह से ग्रसित है। महादेव गा सके क्योंकि उसके चित्त में कोई शिकायत नहीं, कोई पूर्व ग्रह नहीं। तो ये सब मेरी लीला है और इन लीला को जो गाएं, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति, कुछ भी घटे, उसको जो गाए, मुझे लगता है आदमी दो वस्तु सीख जाए तो धन्य हो जाए। एक मुस्कुराना सीख ले और एक गाना सीख ले। भगवान को भक्ति दे, मुक्ति दे, वो तो ठीक है, देगा जब तुम्हारी लायकात होगी, मांगते रहो भीख। लेकिन समझदारी हो तो ये दो चीज मांगिए रोज, कि थोड़ी मुस्कुराहट दें और थोड़ा गुनगुनाना दें। भूल गए आदमी मुस्कुरा। मुझे बार बार पूछा जाता है, एकाध प्रश्न तो उसी भाव का होता ही है रोज व्यास गादी पर, कि आप द्वेष के बारे में बोलते हैं लेकिन द्वेष नष्ट कैसे हो होगा? जरा प्रभु की लीला देखो। मैं बोलता रहता हूं, एक तुम्हारे आंगन में लोन है, लोन का घास है, दुर्वा है, घास इतना छोटा सा है, उसके पास एक नारियली का पेड़ है, कहां नारियली कहां घास, लेकिन दोनों एक दूसरे की स्पर्धा नहीं करते, सुबह की हवा में दोनों मस्ती में नाचते। ये लोन का घास अपनी मस्ती में, नारियली अपनी। तुम स्पर्धा छोड़ दो तो द्वेष जाए। बहुत से एक उपाय ये भी है। और अमेरिका में तो तुमको सिखाना नहीं पड़ता, ये छह छह सात सात लाइन रास्ते होते, जरा निशानी लेकर निकल जाओ। लेकिन ईर्ष्या क्यों करो, ओवरटेक कर लो निशानी देकर, सूचना देकर ओवरटेक कर लो। ओवरटेक करते समय उसके सामने देखने के कैम तो गए। ओवरटेक करते समय पूरी सावधानी रखो, निगाहें सामने रखो, मंजिल की ओर, स्टीयरिंग ठीक रहे, गियर पर ध्यान रहे, ब्रेक। ये ड्राइविंग मेरा विषय नहीं है। देखता रहता हूं, दर्शन करता रहता हूं। कितनी सुविधा है तुम्हारे देश में, हिंदुस्तान हो तो बात और है। जाओ करो गति लक्ष्य को देखते हुए, वनस्पति को देखो, एक दूसरे कितना फर्क है, कहां एक छोटा सा घास, कहां एक इतना बड़ा ताल वृक्ष, सब अपनी मस्ती में झूमता। कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति का कवि था, उसने ऐसी बातों पर बहुत प्रकाश डाला। जैसे कुछ वस्तु दिखाई न दे और कोई टॉर्च कर दे
और उजाले में दिखाई दें, ऐसे संकेत किए, देखो ये देखो ये बात है, ये देखो वहीं से पकड़ो, ऐसी बात है। मैं पहले कथाओं में कहता रहता ना कि भाई ये इतना बड़ा आकाश है, उत्तरायण का दिन हो, मकर संक्रांति का दिन हो, तो सब पतंग उड़ाए कहाँ, छोटा तो नहीं है, जितनी उड़ानी उड़ाओ, लेकिन एक दूसरे की पतंग काटते क्यों हो? उड़ाओ पतंग, इतने बड़ी दुनिया है, जितना तुम्हारा डोर, जैसी तुम्हारी पतंग, जितना तुमको समय, जितनी हवा अनुकूल। लेकिन आदमी को उत्तरायण में काटने में जितना आनंद आता है, इतना उड़ान में आनंद नहीं आता। दूसरों के डोर काटना ये अच्छा लगता है। और फिर कटी पतंग कहां गिरेगी कोई ठिकाना नहीं, कहां जा गिरेगी, क्या उसका हाल होगा। तो भगवान से रोज मांगो, भक्ति तो मांगो ही, जरूर तुम मांगते हो, मुक्ति मांगो, जो मांगो। लेकिन ये भी मांगो, थोड़ा मुस्कुराना दे, सदियां हो गई मुस्कुराए, मुस्कुराए सदियां मानी। आजकल लोग हंसते हैं तो नकली हंसते हैं, जैसे एयर होस्टेस हंसती है, इसमें कोई लागणी बागणी नहीं है, बार बार थोड़ा वो कर लेती है, स्वाभाविक मौलिक मुस्कुराएं, जमाने गुजर गए। पुराना सब काम कर, कहने का मेरा मतलब, मेरे भाई बहन, गाना, फिर गाने का मैं कहता हूं तो फिर सब चालू कर दे तो भी तकलीफ है, सुर में बेसुर में, फिर हमको तो सब सुनना पड़ता है। साधु का लक्षण है तप करो, तप करो, सुनना पड़ता। गाने का मेरा मतलब इस भाव की बात है। तो हर चीज को प्रभु की लीला समझकर गाएं, गाने का मतलब उसको सराहे, इस स्थिति को आदर दें, दाता तूने मुसीबत दी, ठीक है उसी के गीत गाएंगे। गोपियों ने कृष्ण की लौरियां भी गाई, गो चारण करके कृष्ण लौटता है तब भी उनके गीत गाए, और कृष्ण चला गया तो भी उनके गीत गाए, अदृश्य हुआ तो भी उनके गीत गाए। गाने का मतलब यहां मेरा कहने का ये है, जो परिस्थिति है वो प्रभु की लीला है, उसको उसी स्वरूप में हम कुमुल कर दें। शिकायत भरा चित्त रुग्ण चित्त है, बीमार चित्त है, इसलिए हर परिस्थिति में गाना, इसी अर्थ में मैं कह रहा हूं। बड़ी प्यारी बात प्रभु हमारे लिए रख रहे हैं। तो एक तो उनके चरित्रों का गान, उनकी लीलाओं के, उनके जीवन के प्रसंगों का गान, दूसरे अर्थ में तुम्हारे जीवन में जो जो घटना घटे वो भी मेरी लीला है। यंत्रा रूढ़ानी माया, हर मनके का सूत्र मैं हूं, सभी में मैं बैठा हूं, ये सब खेल मेरा है, कुछ भी हो वो मेरा प्रभु कर रहा है।
मैंने मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुरुषार्थ छोड़ दो, मैंने मेरा पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन निर्णय ठाकुर ने जो दिया वो उनकी बात है, उनकी मर्जी की बात है। हर घटना में प्रभु की लीला है, ऐसा जो साधक समझ जाएगा उसके जीवन में लीला का उल्टा हो जाएगा। लीला का उल्टा लाली होती है, जीवन लाली से भर जाएगा। नरसिंह मेहता कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं था, संत के हृदय में अति कोमलता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। उनकी पत्नी मर गई और नरसिंह मेहता ये कहे कि भलू थयू भांगी जंजाल, सूखे भजिशु श्री गोपाल। कोई ऐसे ही सुन ले तो मानेगा कि कठोर नहीं, ये कठोरता नहीं है, ये भी भला हुआ। सब शुभ है, मैंने कई बार कहा है ईश्वर की सृष्टि में सभी विधान मंगल है। अमंगल उसको दिखाई देता है जिसकी दृष्टि नहीं खुली। विष का प्याला आया और मीरा ने कहा कि ये चरणामृत है। हर घटना में भक्त लीला का दर्शन करता है और जो लीला का दर्शन करता है उसके जीवन में सदैव लाली रहती है, लगानी नहीं पड़ती। प्रतिक्षण जीवन में एक मधुरता, एक लालिमा सदैव रहेगी। तो एक तो परमात्मा के चरित्रों का गान संत का लक्षण, दूसरा जीवन में जो जो घटना घटे वो भी भगवान की लीला, उसके प्रति कोई शिकायत नहीं, शिकायत शून्य चित से उसकी सराहना, उसका स्वीकार, यथा योग्यम तथा कुरु। और तीसरा बिल्कुल सूक्ष्म, इससे भी भीतर और रिवर्स, कि जो घटना घट रही है मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल दृष्टा हूं। बिल्कुल अंदर जब साधक चला जाता है तब यही स्थिति आ जाती है। लेकिन इन तीनों धारा को धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति समझे, इसी अर्थ में इस सूत्र को लेना।
लगानी नहीं पड़ती। प्रतिक्षण जीवन में एक मधुरता, एक लालिमा सदैव रहेगी। तो एक तो परमात्मा के चरित्रों का गान संत का लक्षण, दूसरा जीवन में जो जो घटना घटे वो भी भगवान की लीला, उसके प्रति कोई शिकायत नहीं, शिकायत शून्य चित्त से उसकी सराहना, उसका स्वीकार, यथा योग्यम तथा कुरु। और तीसरा बिल्कुल सूक्ष्म, इससे भी भीतर और रिवर्स, कि जो घटना घट रही है मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल दृष्टा हूं। बिल्कुल अंदर जब साधक चला जाता है तब यही स्थिति आ जाती है। लेकिन इन तीनों धारा को धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति समझे, इसी अर्थ में इस सूत्र को लेना। गान करना वो संत का लक्षण, साथ साथ अपना ही राग न आलापता रहे, दूसरों को भी सुने। परमात्मा की लीला का कोई गान करता है उनको भी आदर से सुने। कोई सुंदर भजन गा रहा है, कोई पद गा रहा है, तो गाने वाला भी उसको आदर से सुने, इसी अर्थ में। और दूसरा, हम ही बोलते रहे संसार में परिवार में, हम ही बोल नहीं, दूसरों को भी थोड़ा सुनो, वो भी वो कहेगा उसमें भी भगवान की लीला ही समझो। हम अपनी ही आलापते रहे वो ठीक नहीं। कई लोग परिवार में भी इतने अक्कड़ होते हैं कि बस दूसरों की सुनते ही नहीं, इससे संसार बिगड़ जाता है, बस अपना ही डंडा। तुम सुनो सबको, छोटे से छोटे बच्चे को भी सुनो। ये संसार क्यों बिगड़ता है, हम सुनना भूल गए। ज्यादा सुनना ही चाहिए, बोलने से बहुत बिगड़ता है। ज्यादा जो आदमी सुनेगा वो धन्य होगा। आध्यात्मिक बात को मैं तुरंत धरा पर इसीलिए ला, क्योंकि ये हमारे जीवन की वास्तविक दशा है, इसलिए ला रहा हूं। ये वास्तविक दशा है। कथा में तुम कितने सुंदर लगते हो, बहुत अच्छे लगते, यहां आकर देखो तो पता लगे। कोई मेरी आँखों से समझे, कोई गलत अर्थ में मत लेना वो पंक्ति, जहां की वो मुबारक उसको। लेकिन कथा में तुम्हारी शांति, तुम्हारी शिस्त, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी टकटकी, तुम्हारी शब्द पकड़ने की तुम्हारी तीव्रता, कितना चंगा लग रहा है। इतनी ऊंचाई पकड़ रहे हो तो जीवन की धरा पर भी इस बात को समझ। मुझे किसी ने पूछा पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, वो मैं क्या समझाऊं,
यदि मुझे पूछा है तो इतना कहूं कि पत्नी को होम मिनिस्टर होना चाहिए और पति को फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। बाहर का पति संभाले, घर का पत्नी संभाले, झंझट खत्म। विदेश प्रधान बन जाओ, फॉरेन मिनिस्टर, बस घर की बात में कुछ नहीं। होम मिनिस्टर ही हमारी है ही नहीं, बस हम तो विदेश, चाइना क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है। और पत्नी को चाहिए वो होम मिनिस्टर बनी रहे, वो विदेश नीति में दखल न करे। घर में दादा हो, बाप का बाप, वो सब बच्चों को अपने अनुभव से शिक्षा दे, वो एजुकेशन मिनिस्टर बने। और सास डिफेंस मिनिस्टर, संरक्षण प्रधान। ये नई सरकार निर्माण कर रहा हूं बेटा। सास संरक्षण प्रधान, कब हमला करे भगवान बचाए। माफ करना मुझे भाई, मुझे कई लोग कहते बाबू सासुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है कि तू। नहीं नहीं, मैं उसकी उसकी उसको गा रहा हूं, उसकी लीला को गा रहा हूं, कोई दुर्भाव से नहीं। दुर्भाव क्या, सवाल ही नहीं दुर्भाव का क्या लेना। तो दादा है शिक्षा मंत्री, जो अपने अनुभवों का अपने बच्चों में, बेटे में सबको बांटे, बूढ़े बुजुर्ग समझाएं। इसका मतलब आप घर में ही बैठे रहो होम मिनिस्टर होकर, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। एक बहुत बड़ा बैरिस्टर था, वो एक केस लड़ रहा था, तो कोई जीतने की संभावना ही नहीं, और पूरे देश में उसकी वो हो रही थी कि, और फिर वो जीत गया तो उसका बड़ा सम्मान हुआ, अखबार में प्रथम पन्ने पर उसकी खबरें छपी। और जब वो न्याय में जीत गया दलील करने में, इतना बड़ा वकील, कि घर आया तो उसका बच्चा, उसका बेटा रोता हुआ आया। कहा बेटा क्यों रोता है? बोले मैं न्याय चाहता हूं। कि बात क्या है? बोले मेरी मां ने मुझे अकारण मारा, मेरी मां ने मुझे पीटा है अकारण, आप वकील हैं, मैं न्याय चाहता हूं। तो कहा कि बेटा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट नहीं बदल सकती, तेरी मां ने मारा है वो तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत। विनोद कर रहा हूं, कोई एक दूसरों को सुनो बाप, एक दूसरों को सराहो। कोई एक दूसरे ने इतना नहीं बिगाड़ा है कि तुम कोसते ही रहो, तुम उसको सुनाते ही नहीं, नहीं, तुम शिकायत को छोड़कर थोड़ा चित्त बे दो मिनट भी शुद्ध करके देखोगे तो जिसको जिंदगी भर तुम कोस रहे हो उसने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा अंतरतम साक्षी होगा। लेकिन स्पीड इतनी है हमारी कि इतना सोचने का समय नहीं है, प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है और परिणाम बिगड़ जाता है। थोड़ा सोचो, थोड़ा रुको। मैं अमेरिका आदि देश में देखता हूं कि छुट्टी के दिनों में जितने एक्सीडेंट होते हैं वर्किंग डे में नहीं होते। ये नाताल जब होती है, क्रिसमस, तो कहते हैं कितने मरे। अब छुट्टी है तब तो आराम होना चाहिए ना, लेकिन उसी दिन स्पीड करते हैं। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सोचो। इतना किसी ने किसी का नहीं बिगाड़ा जिसको तुम जीवन पर्यंत कोसते रहो। जानकी जी को चुरा करके ले गया रावण, उस रावण के प्रति भी प्रभु के मन में शिकायत नहीं होती। जितने जितने राम भक्तों ने रावण को कुछ न कुछ बातें कही हैं, वो जरा
अपनी अपनी बोली में कही है, लेकिन इनमें कोई ये भाव नहीं था शिकायत का। कैसे भी रावण को अपने स्थान पर लाने का ही भाव था। सुनु रावण, एक बंदर के मुख से निकली वाणी भी कितनी महत्व की लगती है मानस। सुनु रावण, परिहरी चतुराई भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। अंगद के मुंह से निकली ये पंक्ति है। रावण तेरी चतुराई छोड़कर तू भजन करता है, नहीं करता इसे नहीं, लेकिन चतुराई छोड़कर तू भजन कर, राम को भज, चतुराई छोड़कर थोड़ा उसको डाले। कहीं शिकायत का स्वर नहीं है, और उसी राम के नाम लेने वाले, उसे राम की कथा गाने वाले, सुनने वाले शिकायतों से भरे। कहां गया समाधान, कहां गया वो समाहित चित भारतीयों का। शांताय प्रशांताय व्यास जी पुकारते रहते, कौन चुरा गया, कौन रावण आया जो हमारी स्थिति को चुरा कर ले गया। मेरे भाई बहन, इस अध्यात्म तत्व की ऊंचाई से फिर हम धरा पर आ जाते हैं, इसीलिए कि हमारे वास्तविक जीवन में इन सब बातों की जरूरत लगती है। एक दूसरे को सुनो, प्रभु की लीला है। ऐसा समझकर हर घटना को देखो तो धीरे धीरे साधु स्वभाव ग्रहण होगा, साधु स्वभाव में हमारी स्थिति होगी। की लीला का सदा गान करे और सदा श्रवण करे, लेकिन शर्त लगा दी हेतु रहित। इनके पीछे कोई हेतु नहीं, भगवान की कथा गाए इनके पीछे कोई हेतु नहीं, तो संतत्व। भगवान की कथा सुने हमको पुण्य मिल जाए, ऐसा भी हेतु नहीं, कोई हेतु नहीं, हेतु इतना ही हमारा जीवन धन्य हो, हम कलमश से मुक्त हो। समाज को कथा ही सुधार सकती है, थोड़ी बहुत जितनी मात्रा में सुधार होगा सत्संग से ही होगा, बाकी मुश्किल है। हो तो अच्छी बात है, व्यासगादी राजी है, दूसरे क्षेत्रों से हो तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं। भगवान की कथा से फायदा होता है। हेतु रहित सुनो, हेतु रहित गाओ। जिसका हेतु होगा उसका स्वर बिगड़ जाएगा, स्वर ठीक नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा स्वर। कल मुझे किसी ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा, बापू आपकी कथा होती है तो खर्चा बहुत होता है। हमारा नहीं होता, समझ लो, खोल करके सुन लो, हॉल का होता है, माइक का, हाँ हमारी टिकट का जरूर होता है, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई पैसा लेना है, ना आपको कुछ लेना,
हमारे कारण कोई खर्चा नहीं होगा। अच्छे ढंग से पूछा है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न तो बहुत आते हैं, सबके जवाब देने योग्य नहीं है, क्योंकि जवाब देकर किसी का दिल दुभाना मैं नहीं चाहता। बहुत से प्रश्न आते हैं। सत्संग को देखो और बातों को छोड़ दो। तुम कथा में आकर खर्चा गिनते रहोगे तो तुम्हारा सत्संग चला जाएगा। तुम सत्संग को देखो। कोई भाई ने मुझे पूछा, परसों पूछ रहे, बाबू एक बात ठीक नहीं हुई, ये सब भगवान के फोटे नीचे रख दिए वो ठीक नहीं। मैंने नहीं रखे, रख दिए। उसका भाव होगा कि भगवान का फोटा ऊंचा होना चाहिए। अब दो दिन है, ऊंचा कर दो। भगवान सबसे ऊंचा है, उसको ऊंचा रखो कि कहीं भी रखो। मेरा हनुमान ऊंचा बैठा है, जरा उधर आकर भी देखो। अब ये स्थापन की मूर्ति है, उसकी जो ऊंची रख है तो सीढ़ी लेकर पूजा करनी पड़ेगी, और कोई गिरे तो। इन छोटी छोटी बातों में मत पड़ो, तुम सीधा अमृत पियो। लेकिन तुम्हारी इस चित्त की रुग्णता की दया आती है कि इस महफिल जमी है उसमें भी तुम पी नहीं रहे, तुम औरों में उलझे, तुम तुम्हारे पास कौन बैठा है उसको देख रहे हो। अरे सीधे डायरेक्ट व्यास गाड़ी को देखो। इतनी पिलाई जा रही है सम्मान के साथ और कभी उतरा नहीं ऐसी, और इन छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ते हो? अच्छे सुझाव है मैं मानता हूं, लेकिन इतने में तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी कथा चली जाएगी, तुम्हारा शिकायत भरा चित्त तुम्हें कुछ वस्तु नहीं प्राप्त करने। इतने व्यस्त जीवन से तुम कथा में आते हो, फिर देखते हो ऐसा कितना खर्चा हुआ, पूछो आयोजकों को, हिसाब करते रहो, मैं परसों चला जाऊंगा। अब भाई अमेरिका है तो खर्चा तो हॉल का खर्चा तो होगा, करो मैदान में, मैं तैयार हूं, लो कहां करो। बाबू आपकी कथा का बहुत खर्चा होता है। मैं जितना सस्ता हूं इतना कोई नहीं है, जरा आजमा के देखो, आजमा के देखो। लेकिन वे बात भी ठीक है, जिसको जो लगे सो अपनी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन इनमें पड़ोगे तो तुम भगवत रस चुक जाओगे। मुझे तो आपकी चिंता है, एक तो इतना समय आप देते हो, फिर देखते हो ऐसा यह है ये है। कोई कहते बापू आप बहुत सराहना कर रहे हैं सबकी, सबको अहंकार आ जाएगा तो क्या होगा? भाई मुझे तो जो लगा सो बोला, और अहंकार न आने देना वो इन युवानों का काम है। तुम ध्यान दो भगवत रस पर, तुम चुके जा रहे हो वो महत्व की वस्तु। बड़े अच्छे भाव से, कोई कोई वो बात नहीं है, सब अच्छे सुझाव हैं, लेकिन इन सुझावों में हम चले जाएंगे। हमारे नैरोबी में हूं, पहली बार कथा करवा गयो, थोड़ी गुजराती हिंदी भाषी भाई बहन कहते बाबू थोड़ा तुम गुजराती में बोल दे तो सब हंसते, हम चुपचाप बैठे रहते, क्या बात है। तो हमारे एक आयोजक थे, बड़ी अच्छी बात है, रोज वहां भोजन चलता तो रोज कोई ना कोई सुझाव दे कि ये टेबल इस तरह आप लगाए हैं तो जरा यू 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 के आकार में लगाओ। तो आयोजक इतने सरस, अच्छी अच्छी बात भैया, भाई साहब बहुत अच्छी बात है, कल आप कृपा करके आप आ जाना और सब यू कर देना। अब इतने टेबल 5,000 आदमी के यू कहां करेगा वो? वो कहता है यू क्या, डब्ल्यू कर देना, जेड कर देना, तने जे पावे करने, रोटला नो सवाल छे, टेबल ऊपर खावा नहीं वार छे, यू कर करने आ जा।
भगवान की कथा के रस को लो, यहां पिलाई जा रही है और तुम चुके जा रहे। कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, महफिल झूमर सजा सजा है, रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी अपना समझ कर मैं आया, तुझे अपना समझ कर मैं आया, तुझे अपना समझ कर मैं आया, मांगने को तो दुनिया बड़ी है, मांगने को पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा, कमली वाले की महफिल सजी है, महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे हरिबो, निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे, निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे,
राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे व्रजे वसन्तं नवनीत चो राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 लाडली प्यारी राधे 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 लाडली प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे श्री राधे राधे शरणं मम मयूर पिच्छ मंडनं गजेन्द्र दंत खंडनं नृशं सकं सदंदनं नमामि राधिकाधिपं राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे श्री राधे 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 श्री कृष्ण राधा वर गोकुल गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृत में गोविंद दाम राधे 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 हमारी
प्यारी राधे 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 राधा नुगम राधिकेष्टम राधा प्रहित मानसम राधा धारम भवाधारम सर्वाधारम नमामि तम राधे 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 हमारी प्यारी राधे कमली वाले की महफिल सजी तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम हेतु रहित सुनो। कोई हेतु नहीं, पुण्य पुण्य कुछ नहीं मिला तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे भाग का भी तुमको, लेकिन नगद पुण्य तो मिलेगा भविष्य में, कौन अभी जो मिल रहा है हेतु रहित। तो वो साधु स्वभाव में हम पहुंच जाएंगे, ऐसी वृत्ति यदि हम सिद्ध कर पाए। गावही सुनही सदा मम लीला हेतु रहित, कोई हेतु नहीं, न कुछ लेना है न कुछ देना है, बस पीना है पियो। उस साधु का लक्षण है, कोई ऐसी वृत्ति न हो। भगवान की कथा और भजन आदि जो भक्ति करो उसका भविष्य में जब करो उसी समय मिल जाता है, भविष्य में कहां, उसी समय प्राप्त होता है। तो जो हेतु रहित गाएगा और हेतु रहित सुनेगा, केवल अपनी मस्ती के लिए स्वांतः सुखाय, और कोई कारण। मैंने एक दिन चर्चा की थी, हेतु रहित क्रिया आदमी को राग से मुक्त करती है, और राग छूटा तो त्याग आया ही, और त्याग आते ही आदमी ऊंचा हो जाता है, आदमी महान बन जाता है, अपने आप कोई लिफ्ट मिल जाती है, सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, सीधा ऊपर उठ जाता है जब त्याग आया। हेतु रहित सत्कर्म, और मैंने सराहना इसलिए की कि ये कथा का हेतु भी हेतु रहित है, कोई हेतु नहीं, इसलिए इतना आनंद आ रहा। तो भगवान का गुण भगवान की लीला गाना सुनना मेरे भाई बहन हेतु रहित हो, और परहित रत सीला, दूसरों के हित में जो रत रहता है वो संत है। शील का यहां अर्थ है स्वभाव, शील माने यहां स्वभाव, जिसका स्वभाव है दूसरों के हित में रत रहना, लगे रहना, दूसरों का कैसे हित हो उसी में ही डूबे, अपना कोई हेतु नहीं। डीप देहली न्याय, जैसे उम्र पर
दीप रख दो तो बाहर भी उजाला भीतर भी उजाला, यहां हेतु रहित शब्द दोनों ओर लग रहा है। भगवान के गुण गाने में सुनने में भी कोई हेतु नहीं और दूसरों के हित में अपना स्वभाव दूसरों का कल्याण हो उसी में डूबे रहना, लेकिन अपना कोई हेतु नहीं, हेतु रहित। इधर गावही सुनही सदा मम लीना, हेतु रहित देहरी पर और परहित रत सीला, ये दोनों के बीच में हेतु रहित। मैं दूसरों का हित करूं इनमें भी मेरा कोई हित नहीं, हेतु नहीं। वो गुजराती पंक्ति पहले मैं बोला करता था हमारे इस्माइल वाले रघु, हे तुरे विनाना न होई हे। ये दुनिया ऐसी है हेतु से हेत करती है, संत ऐसे हैं जो हेतु रहित हेत कर, हेतु विनाना न होई हे। आ जग मा हेतु रे विनाना सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे ही सब प्रीति। ये दुनिया हेतु से हेत करती, लेकिन संत पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराय, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगरा। जब काव्य भुसुंडी जी को गरुड़ ने 7 प्रश्न उत्तरकांड में पूछे, तब एक प्रश्न ये पूछा है कि हे बाबा आपके मुख से बताइए संत और असंत का स्वभाव क्या है। इसमें संत स्वभाव का निर्देश केवल 3 चौपाई 3 पंक्तियां लिखी है, संत लक्षण फिर असंत का दुष्टों का पूरा लंबा लिस्ट दे दिया। इनमें ये प्रथम पंक्ति है, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन और कर्म से दूसरों का उपकार ही करना ऐसा उसका स्वभाव होगा, प्रभाव डालने के लिए नहीं, स्वभाव से। कोई हेतु नहीं। कई लोग देश में सेवा करते हैं लेकिन हेतु है धर्मांतर कराने का, ये सेवा नहीं है, ये संत लक्षण नहीं है, ये योजना होती है, ऐसी सेवा नहीं। स्वभाव से जो दूसरों का हित करे परोपकार करे, संत सहज दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों के हित के लिए दुखी होते हैं, सुख के लिए, वो कैसे सुखी हो, और दुर्जन दूसरों को दुखी करने के कारण ये सब प्रवृत्ति। भूर्ज तरु सम संत कृपाया, परहित नीति सही विपति दिशा। भूर्ज तरु सम संत कृपाया, परहित नीति सही विपति दिशा। मन वचन कर्म से जो दूसरों का हित ही करे ऐसा जिसका स्वभाव है। और लोग कहते हैं प्राण प्रकृति साथ जाती है, लेकिन ये तो कहावत है, प्राण जाता है प्रकृति तो जैसे बगीचे पर से वायु गंध लेकर जाता है वही पुराना मन लेकर फिर यात्रा। प्रकृति का साधुओं का तो जन्म जन्म का यह स्वभाव होता है कि दूसरों का कल्याण करें।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गड्ढे में जो गिरे हैं और गड्ढे में गिरे रहना ही जिसको अच्छा लगता है, उसको संत निकालने की चेष्टा करते हैं तो उसको लगता है कि ये मेरे विरोध में काम हो रहा, क्योंकि वो गिरना चाहते हैं और साधु निकालना चाहता है। प्रवृत्ति तो विरुद्ध में लगती है, क्योंकि वो नीचे जाना चाहता है, साधु बाहर निकालना चाहता है, इसलिए समझ भेद हो जाता है। परहित हेतु रहित परहित रत, तो शीला का यहां शब्द, शील का अर्थ यहां स्वभाव, जिसका स्वभाव ऐसा, तुम स्वभाव से विपरीत लाख भी करो मूल में आ ही जाओगे, स्वभाव से विरुद्ध तुम जा ही नहीं सकते। करोगे तो ये थोड़ा अभिनय होगा, तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही तुम्हारा अपना भाव है, स्वभाव है। खूब सत्संग करने से धीरे धीरे उसमें सुधार होता है, बहुत सत्संग करना पड़ता तभी कभी धीरे धीरे उसमें थोड़ा फर्क होता है, बाकी स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल। वयम खलाहा सहुपत्या, काली नाग ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप हमें मार दे, इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। भागवतकार कहते हैं मुझे आपने नाथ लिया और आप मुझे मार दे, वैसे भी प्रारब्ध मार देगा, इसमें कोई बड़ाई नहीं है, आप सर्वशक्तिमान। लेकिन हे गोविंद, यदि तू वीर है, यदि तू सर्वशक्तिमान है, तो मेरे स्वभाव को बदल दे। खबर तो मानू के तू शूरवीर है, तो मानू के तू है कुछ, मारना तो बहुत आसान है, वैसे ही हम मर जाएंगे। दीर्घ मन्यव, जो हमारा स्वभाव है, बदला लेने की जो हमारी वृत्ति है, गुजराती मां कहूं तो मनमा जे खार छे, काठियावाड़ी लोग खार कहे उसको, खार का उर्दू में आदि हिंदी को कांटा होता है, जो कांटा होता है मन में, जो एक कांटा रहता है, आदमी मौका ढूंढता है। कहने का मतलब, तब भगवान ने ये बात कई बार कही गई, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया माफ करे, मैं तुझे मार सकता हूं लेकिन तेरा स्वभाव तो मैं भी नहीं बदल सकता। तो बात खत्म हो गई, काली नाग ने कहा तो बस बात पूरी हो गई। अब तो आप भी कह रहे हैं कि स्वभाव तो कोई बदल ही नहीं सकता। बोले हाँ, स्वभाव बदलने का क्षेत्र संतों का है, मैं तुझे वहीं भेज दूं जहां सत्संग होता है, वहां थोड़ा फर्क हो सकता, बाकी तो मुश्किल, बहुत कठिन। तो संतों का ये स्वभाव है, गुजराती में हमारे भगत लिख्यू छे, ए संतो नो स्वभाव छे एगो, जने तानी गोडो नाजे। बहुत सरस दर्शन, ए संतो नो स्वभाव छे एगो, जने तानी गोडो नाजे। साधु का स्वभाव तो ऐसा है, भक्त कहता है कि मानो मां का, मां की जो गोद होती है। लेकिन कवि को लगा कि नहीं नहीं, वो भी ठीक नहीं, बेडगला में आगड़ भाड़ा जननी थी जग संत। कवि ने कह तो दिया कि संत का स्वभाव मां की गोद जैसा होता है, जैसे बच्चे को सुलाती हैं, प्यार करते हैं, वैसे साधु प्यार करता है, कृतकृत्य कर देता है। लेकिन कवि को लगा कि नहीं नहीं, उसमें तो थोड़ा फर्क है, संत तो मां से भी आगे हैं। बेडगला में आगड़ भाड़ा आजननी थी जग संत, मां से भी, जनेता से भी संत आगे हैं। क्यों? के मां सुवड़ावे अने संत जगाड़े। मां का काम तो सुला देना, लेकिन साधु का काम तो जगाना, अने भेल भी दे भगवान, भेटो करावी दे,
माँ तो सुला देती है कि ये बच्चा सो जाए, सो जाए तो मैं थोड़ा घर का काम कर लूं। लेकिन साधु सुलाता नहीं, वो तो जगाए। एक समय विभीषण जागा, कई लोग पूछते विभीषण के घर जब हनुमान जी गए तब ये क्यों जागा? अरे भाई सूर्योदय होता है तो सब जाग जाते हैं, पशु पक्षी भी जाग जाते हैं। सूरज निकला, हनुमान जी एक सूरज नहीं, विनय पत्रिका में लिखा है कोटि कोटि सूर्यों का मंडल है। और इतना सूरज विभीषण के आंगन में आया और विभीषण न जागे तो उनका दुर्भाग्य है। इसलिए वो जाग गया क्योंकि कितनी सूर्यों की वो लेकर आए हैं श्री हनुमान जी महाराज। तुमा सुवड़ावे अने संत जगावे, पति देवी दे भगवन संतो नो स्वभाव छे, ये जनता गोदना छे संतो नो स्वभाव छे, आ जनता गोदना छे। कहने का मतलब मेरे भाई बहन, दूसरों का मन से वचन से और क्रिया से जैसे भी हो पाए शुभ करना, हित करना, उपकार करना, यही संत का स्वभाव। हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सोन साध के गुण जे ते निसुन साधु है के गुण जे ते कही न सकही सारद श्रुति कही कही न सक श्रुति। अब प्रभु कहते हैं हे मुनि, साधु के गुण इतने हैं कि जिसको सरस्वती भी नहीं कह सकती और शेष भी नहीं कह सकते। अब सोचिए सरस्वती ब्रह्मलोक की वक्ता है और शेष नारायण पाताल के वक्ता है। पाताल का वक्ता नहीं वर्णन कर सकता, ब्रह्मलोक की वक्ता नहीं वर्णन कर सकती, तो मृत्यु लोक का वक्ता कैसे वर्णन कर सकता है? भगवान कह रहे हैं मैं भी आज मृत्यु लोक में हूं। राम जी कहते हैं मैं धरा पर हूं, इसीलिए मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। शेष के हजार मुख हैं लेकिन सरस्वती शेष नारायण संत के लक्षणों को ठीक से नहीं वर्णन कर पाते। और सरस्वती तो हर की जीभ पर बैठी है, प्रत्येक की जबान पर, जबान जबान पर, हर जबान उनकी है, लेकिन इतनी जीभ होते हुए सरस्वती संतों के लक्षण को नहीं गा सकती। साधु के इतने लक्षण हैं कि न शेष कह सकता न सरस्वती कह सकता। अपार हैं और अगाध हैं, इसलिए दो वक्ताओं का नाम ले लिया। साधु का लक्षण अपार और अगाध है। सरस्वती ब्रह्मलोक जाए, उससे भी ऊपर जाए तो भी साधु के गुण का पार न पाए। पर पाताल में रहने वाला शेष अगाध संतों के गुण का कभी था नहीं पा सकता। और फिर गोस्वामी जी ने गा लिया सकल सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए कहीं सकल सारद शेष नारद सुनत
पंकज गए अस दीन बंधु कृपा अपने भगत निज मुख कहे अस दीन बंधु कृपा इतने गुण हैं भक्तों के इतने गुण हैं कि भगवती सरस्वती और भगवान शेष भी नहीं कह सकते। ऐसा जब प्रभु ने नारद के सामने निवेदन किया नारद सुनत पद पंकज गए। इतने शब्द सुनते ही नारद जी ने परमात्मा के चरण पकड़ लिए। अस दीन बंधु कृपा, क्योंकि महाराज ये संतों में जो गुण होते हैं वो तो आपकी कृपा से ही तो आता है। यह गुण साधन पे नहीं हो, तुम्हारी ही कृपा, आपकी कृपा से ही मिल, तो आपकी कृपा से संतों को जो गुण मिलते हैं आपकी ही कृपालुता के कारण मिलते हैं, आप ही देते हैं। और फिर भी आप कितने दीन बंधु हैं कि आपके दिए हुए गुणों का आप अपने मुंह सराहना कर असदीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। अपने मुंह से आप गुणगान गाते, बार बार शिर नवाया, अपने किए हुए क्रियाकलापों का पछतावा हो रहा है। अरे मैंने गालियां दी थी, मैंने रोष किया था विष्णु पर, और वही प्रभु मेरे कारण लीला कर रहे हैं और मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं। बार बार, क्योंकि ऋण केवल वंदन से चुकाया जाता है और कोई उपकरण काम में नहीं आता। बंदव तव पद बार ही बार, एक बार प्रणाम ही थोड़ा बहुत ऋण से मुक्त करता है, बाकी कोई वस्तु ऋण से मुक्त नहीं कर पाता। महामहिम प्रकांड पंडित राजा भोज ने चंपू काव्य में लिखा है, रावण को कहा गया कि हे रावण, परमात्मा के बाण से मुक्ति तुझे और कोई चीज नहीं दे सकती, अभी भी सुधर जा। विभीषण समझा रहा, रघुनाथ जी के निशंग से जब तीर निकलेंगे और शरसंधान होगा इनके सारंग पर, तब दुनिया में तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। रावण ने कहा मैं देवताओं को दैत्यों को सबको वश करने वाला, बोले जो हो। रावण बहुत अंदर से समझदार था,
विभीषण कहता था वो सब अंदर से मानता था, समझदार था, क्योंकि जय विजय था ना मूल, तो उनके घर का ही आदमी, घर का ही नौकर, इनकी इच्छा से आया था, किसी देश में रहे किसी देश में रहे। जहां भेजो तहां जाएंगे। जय विजय को प्रभु ने कहा था कि मुझे ये लीला करनी है, तुझे मेरा वैरी बनना पड़े। बोले आप राजी होते हो तो आप जो कहो, हम दुश्मन बनकर आएंगे, तेरे सामने लड़ेंगे। ये जय विजय, वो रावण बना। तो रावण ने प्रश्न पूछ लिया विभीषण को कि तू कहता है कि राम के वाहन के आगे कोई तुझे बचा नहीं सकता, लेकिन कोई कवच नहीं दुनिया में, संसार में कोई कवच ऐसा है तो मैं जाऊं और उनको लूट कर ले आऊं और वो कवच मैं पहन लूं, फिर राम का बाण भी कुछ न करे, ऐसा कोई कवच? बोले एक कवच है। रावण बोले क्या? बोले प्रणाम, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तू एक बार मेरे प्रभु को प्रणाम कर ले रावण, बस तुझे कुछ नहीं होगा। एकमात्र भोज ने प्रणाम को कवच कहा है, प्रणाम कवच है। इसलिए गोस्वामी जी, सिया राम मई सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगपा। प्रणाम एकमात्र, महापुरुषों के, परमात्मा के अनंत उपकार हम पर है, शास्त्रकारों के अनंत उपकार हमारे, आचार्यों के अनंत जो, इनका ऋण कैसे चुका सके। आदमी को तीन से मुक्त होना चाहिए, जैन धर्म का ये सूत्र है, ये सूत्र जैन दर्शन का है। वासना से मुक्त होना चाहिए, बार बार बल देते हैं जैन धर्म वासना से मुक्त हो, वासना। दूसरा जैन धर्म का शब्द है कषाय, कषाय से मुक्त होना। और तीसरा जैन धर्म का सूत्र है ऋण से मुक्त होना। इनमें पहले वासना से मुक्ति पर बल देता है जैन दर्शन, वासना से मुक्त हो। और वासना से मुक्त होने का बहुत सरल उपाय भी बताते हैं, उसको अपने शब्दों में डाले तो ऐसा कह सकते हैं गुजराती में क्या हुई तो मारे जोशेज, ये जो निकली जाए, अने मारे चाल से, ये चाल से जो आवी जाए तो धीरे धीरे वासना क्षीण थाय, ऐसा जैन धर्म कहते। ज मारी नाख्यो बधाने, ज मारे जोईए ज, हा हूँ घर में आवु त्यारे चाय तैयार ज होवी जोईए ज। हवे तो जय काम नथी करतो, जय बिचारो रजा ऊपर गयो है। विनोद में लोग कहे ना, पति है पत्नी ने कीधु के तू चाय बनावे के बनाव नहीं तार, तू चाय जल्दी बनाव नहीं तार, बनावे के नहीं नहीं तार। पत्नी कीधु नहीं तर, नहीं तर तो हूं बनाई नाखी ज निकली गयो। मैंने कहीं सुना था कोई जैन साधु से ये बात, इसलिए मुझे स्मरण में, वो अपनी बोली में डाल रहे थे भाई ज न हो चाल से आ जाए, चा थोड़ी मोड़ी थई जे चाल से, रसोई मोड़ी थई चाल से। आज कोई मिष्ठान नहोतु चाल से, आज कपड़ा ने इस्त्री नहोती थई चाल से, आज मैंने मार्यो न तो चाल से। चाल से यदि हम सीख जाएं कि चलेगा चलेगा चलेगा, आग्रह मानी दुराग्रह के प्रति उसका वो चोट होती है, फिर इससे धीरे धीरे कषाय से मुक्त होता है साधक। बड़ा सुंदर दर्शन है, जहां से उपयोगी मिलता है तो उसका उपयोग करो, जहां से भी मिले उपयोग करो।
सब में सब चीज ठीक नहीं होती, सबके अपने अपने आग्रह होते, जो हमकारे अनुकूल पड़े वो ले लो, बाकी छोड़ो, इसमें कौन जाए उस दूसरी बातों में। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जैन धर्म ने कृष्ण को नरक में डाला है तो उसको कैसे, अरे वो उनकी समझ है, छोड़ो ना, इसमें कौन पड़े, अच्छी बात वो ले लो ना। सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, धारणा सब उधार है, सब उधार है, कर्जा है सब उधार। तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, तुम्हारी मस्ती कहां आती है, तुम्हारा कमल कहां खिलता है, बस वो देखो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणा, जो उपयोगी दर्शन हो ले लो, उसमें डूबो। फिर तीसरी बात आती है ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्त होगा। इसमें जैन धर्म नहीं, इसमें तो भारतीय अपना दर्शन भी कहता है, यानी सनातन शास्त्र वैदिक परंपरा भी कहती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पहले माता पिता के ऋण से मुक्त हो। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का है, समझो युवान भाई बहन, माता पिता का बहुत योगदान है। जितना माँ बाप ने दिया है, फिर शिक्षक देता है, अध्यापक देता है, आचार्य देता है, गुरु देता है, फिर जो है जो है, लेकिन बुनियादी माँ बाप ने जितना दिया है इतना किसी ने नहीं दिया। माँ बाप के ऋण से मुक्त हो तो नहीं पाते, लेकिन उसको संभालो, उसको आदर दो, बूढ़े हैं, तुम्हारे काल में और उनके काल में बड़ा गैप है, लेकिन थोड़ा सहकर भी माता पिता के आदर दो, ये बहुत आवश्यक, इनके ऋण से मुक्त होने के लिए। इनमें भी बाप से मां का ऋण ज्यादा है, मैं आगे भी बोल गया, 10 गुना होता मां का ज्यादा। बाप के पास मस्तक होता है, मां के पास हृदय होता है, और मस्तक सदैव विघटन करता है, हृदय सदैव एक कर देता है, मिला देता है। वो पुरानी वार्ता में नहीं क्या था, कही थी कोई कथा, बाप और बेटा भोजन करने बैठा है, वो बेटे की मां रसोई कर रही थी और परोस रही थी, तो लड्डू बनाए थे, तो बाप ने घर में तो कोई स्वयं ले ले, तो वो भी बैठा है और बेटा बैठा है, तो लड्डू का जो वो था चूरमाना लाडवा, तो एक लड्डू लेकर बाप ने अपनी थाली में ले लिया और बेटे की थाली में लड्डू तोड़ करके आधा रखा, और बेटे ने बलवा कर दिया विरोध कि आप पूरा लेते हो, मुझे आधा क्यों देते हो। अरे बेटा तेरा आधा ये है, तू पहले ये पूरा कर ले, फिर तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू बिगाड़ेगा, तेरी तेरी उम्र के मुताबिक, तेरी तासीर के मुताबिक। बोले नहीं, बस बेटा समझा ही नहीं, ये अन्याय है, ये समानता नहीं है, इनकलाब, ये बिल्कुल हड़ाहड़ कलयुग से। बेटे ने कहा मुझे भी पूरा मिलना चाहिए, और बाप नहीं समझा पाया, बाप ने कहा कि बेटा मेरा कोई इरादा ये नहीं है, मैं तेरा बाप हूं, मैं भुखार हूं और तुझे खिलाऊं, मैं कोई स्वार्थी हूं। बोले नहीं, मुझे आधा क्यों, पूरा का पूरा दो, ये आधा है। अरे बेटा दूसरा आधा दूंगा। बोले नहीं, मुझे पूरा लड्डू चाहिए। इतने में मां सुन गई, रसोई से आई एकदम, कोई हम तकरार था घर में, पीछे रसोड़ा में जो एंट्री आवे से जोवा जाइए, क्या छवि होती है, बड़ी अच्छी छवि होती है। पति को पूछा कि क्यों ये रोता है, क्या बात है। अरे बोले ना समझे बिल्कुल, लड्डू तो कितने तूने बनाए, जो जितना खाना चाहे खाए, लेकिन मैंने समझ करके एक लड्डू मैंने लिया, फिर उसको आधा दिया, जैसा जैसा खाएगा मैं दूंगा, बिगाड़ेगा इसलिए मैंने।
लेकिन वो समझता नहीं, बस पूरा लड्डू मुझे दो, तुमको पूरा, मुझे आधा क्यों। उसी समय उसकी माँ ने कहा कि बेटा आ तुझे भी पूरा कर दूं। ये आधा लड्डू बेटे की थाली में जो था वो लेकर माँ ने जरा दबा करके छोटा सा लड्डू बना दिया, रख दिया, ले बेटा। तो बेटे ने दूसरा तर्क किया, तो मुझे छोटा और उसको बड़ा क्यों। बोले तेरा बाप बड़ा है, उसी लिए इसको बड़ा, तू छोटा है इसलिए तू छोटा। ठीक है, ये हृदय कर सकता है, बुद्धि तो तोड़ती ही है लड्डू को। जो बुद्धि होती है वो लड्डू को तोड़ती है, लेकिन हृदय है वो लड्डू को मिला करके फिर छोटा बड़ा करके उसकी थाली में परोस देता है। फादर इज द हेड ऑफ द हाउस। बट मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। बाप घर का माथा है, लेकिन मां हार्ट होती है, घर का हृदय होती है मां, होम मिनिस्टर। कहने का मेरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, इतना फर्क है बुद्धि और हृदय का, इतना अंतर है, स्वाभाविक है। बुद्धि सदैव ऐसा विश्लेषण करेगी, पृथक्करण करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, हृदय सदैव मिला देता। ऐसे माँ बाप जो है, मां से भी बाप से भी मां का ज्यादा अधिकार, इनसे ऋण से मुक्त होना। और फिर मैं दोनों पक्ष कहता, मां बाप का भी कर्तव्य है आज के युग में। वही सूत्रों को आज के युग में वास्तविक धरा पर लाना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद का काल सभी काल में समान रूप में देता है, फिर भी वर्तमान काल को लक्ष्य में रखकर मां बाप को भी अपना अपना दृष्टि बिंदु मूल सूत्रों को पकड़ते हुए भी, जैसे मैं कहता रहता हूं, मूल वही का वही रहे, फूल रोज नया खिलना चाहिए इसी ढंग से। क्योंकि आज फ्राइड हो गया, आइंस्टाइन हो गया वहां का ऋषि, और आज कई किसी किसी कितने कितने वैज्ञानिक हो गए, उसको तुम अनदेखा नहीं कर सकते। इसको भी इनके साथ मिलाना पड़ेगा, वर्तमान भूमि पर आना पड़ेगा। कितने कितने मनोवैज्ञानिक हुए आज के जमाने में, वैज्ञानिक हुए, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पुराने मानस को, इन सनातन सूत्रों को आज के परिवेश में भी देखना, इसलिए मां बाप को भी इसके मुताबिक चलना चाहिए। तो वासना मुक्ति की जो बात करते हैं, ऋण मुक्ति, जो ऋण की मुक्ति और ऋण से मुक्त एक ही, ऐसे अध्यात्म क्षेत्र में तो ऋण से मुक्ति एक ही है, सिर ना आई बार ही बार, और कोई ऋण से मुक्ति नहीं हो सकती। मस्तक नवा दिया, प्रणाम कर दिया और बात बन गई। तो नारद जी को प्रभु ने जब ये बात कही तो नारद गदगद हो और कहा कि हे प्रभु, मैं इसका कर्जा कैसे आपको पूरा करूं। सिरनाई बार ही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। नारद जी भगवान के चरणों में बार बार वंदन करके ब्रह्मपुर चले गए, और फिर गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। वो धन्य है जो आशा छोड़ करके भगवान के रंग में रंग जाते हैं। भगवान के रंग में रंगाना मानी उनके प्यार में, उनकी भक्ति में, उनके भाव में डूब जाना। वो धन्य है जो आशा छोड़कर प्रभु आपके रंग में रंग जाते हैं। पुनः एक बार कह सके नारद सुनात पद पंकज अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत ना।
पद सुनत पद पंकज गए अस दीन बंधु कृपाले भगत गुण निज मुख करे भगत तो संतों के लक्षण की चर्चा सुनकर बार बार प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मलोक की ओर गति कर गए। और बाबा जी कहते हैं वो धन्य हैं जो आशा छोड़ करके राम रंग में रंग जाते हैं। उसके बाद अरण्यकांड के समापन में जो उपसंहारक बातें हैं उसकी कल और परसों चर्चा करके इस दर्शन को संक्षिप्त विराम दिया जाएगा। आइए अब कथा का थोड़ा क्रम उठा लें। कल हम सब ने मिलकर भगवान राम का जन्म महोत्सव मनाया, घर घर में उत्सव मनाया गया अयोध्या में। लेकिन इस आनंद में एक नई खबर आ गई, पूरी अयोध्या में एक आनंद की और लहर फैल गई। समाचार मिला कि मां कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है, सुमित्रा जी ने पुत्रों को जन्म दिया है। बाबा ने लिख दिया कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत है वो, सुंदर सुत जन्मत है वो, संपत्ति चरमय सवाजा, सुख संपत्ति समय सवाजा, कही न सक नारद अहिराजा, कही न सक नारद अहिराजा। तो घर घर में उत्सव हो रहा है, कैकेयी माँ ने पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा अम्बा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, अयोध्या में उत्सव चल रहा है। एक महीना कैसे बीत गया किसी को पता नहीं लगा। कैलाश के शिखर पर से कथा कहते कहते भगवान महादेव ने पार्वती को सुनाया कि देवी राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, तब मैंने एक चोरी की। भवानी ने कहा महाराज आप और चोरी, आप तो दाता है। बोले देवी चोरी इस अर्थ में कि मैं जब गया तब आपको मैंने बताया नहीं कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, बस वही चोरी। और अब मैं ये राज खोल रहा हूं क्योंकि अब तेरी मति दृढ़ हो गई, मैं और कागभुसुंडी दोनों मनुष्य के रूप लेकर श्री अयोध्या जी राम जी के दर्शन के लिए गए थे। मैंने ज्योतिषी का रूप बनाया, कागभुसुंडी जी चेला बना और सरजू के तट पर मैंने अपना आसन जमाया। वहां से लोग आते जाते थे और हम सबके हाथ देखकर सबके भविष्य वर्तमान भूत सब बता रहे थे ताकि हमारी बात अयोध्या के भवन में पहुंच जाए और माँ कौशल्या हमको अंदर बुलाए और इस बहाने हमें राम के दर्शन हो जाए। तो अड्डा लगाया था, सरजू तट तक जो रास्ता जाता था वहाँ विशाल रास्ते पर कागभुसुंडी जी चेले का काम करते, सबको जो आते थे उसको कहते हैं बाबा पधारे हैं, बहुत त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ बता देंगे और मुफ्त में सब हैं। तो सब अपने अपने हाथ अपने अपने बताने लगे और इनमें जब राजभवन में बात गई तो भीतर भवन बुलायो भगवान शंकर को और भुसुंडी जी को, राजभवन में प्रवेश मिला। भगवान रघुनाथ जी का दर्शन करके धन्य हुए भगवान शंकर ने माँ कौशल्या के सन्मुख राम के भविष्य की चर्चा की, कहा कि माँ ये बालक बड़ा होगा, कुमार होगा और तुम्हारी नगरी में एक महात्मा आएगा और फिर तुम्हारे पुत्र की मांग करेगा और आपको देना पड़ेगा। माँ दुखी होती है, भगवान शंकर ज्योतिषी के रूप में स्पष्ट कर देते हैं
कि महात्मा आएगा, मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब आपका बेटा महात्मा के संग जाएगा तो एक महान कन्या को ब्याह करके आएगा। माँ बहुत प्रसन्न हुई है, भगवान शंकर को भुसुंडी को बहुत दक्षिणा दी है, और नाटक कर रहे थे तो मना भी कैसे करें। नगर के बाहर आकर सब दक्षिणा ब्राह्मणों को देकर महादेव कैलाश लौटे, और कागभुसुंडी जी 5 साल तक प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्या में ही रहे। ऐसी एक चोरी की कथा शिव जी ने सुनाई। समय बीतने लगा, नामकरण संस्कार का समय हुआ। महाराज दशरथ जी ने बाबा वशिष्ठ जी को सब बुलाए, सुंदर समारंभ हुआ। तीनों माताएं अपने लाल को लेकर बैठी हैं और तीनों चारों का नामकरण संस्कार। हमारे यहां पद्धति ही ऐसी थी कि कुल गुरु ही नामकरण संस्कार करता था, गुरु ही नामकरण सोच करके, इनके लक्षण देख करके, अपनी साधना के द्वारा समझ करके नाम रखता था। तो चारों भाइयों का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी अब नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले कौशल्यानंदन के सिर पर हाथ रखते हुए भगवान वशिष्ठ बोल रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो सुख अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोनी का कर राम, भरत अस होई ताकर नाम प्रकाश। जिसके नाम के उच्चारण से जगत को आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। जो नाम शिव का महामंत्र है, उपनिषदों का मंत्र है, तुम्हारे पुत्र का नाम हम वो राम रख रहे हैं। सभा ने जय जयकार कर दिया। सब बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। कौशल्यानंदन का नाम राम रखा। संक्षेप में, राम के समान स्वभाव, शील, वर्ण, रूप कैकेयी के पुत्र भरत जी का भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज ये जो बालक है कैकेयी नंदन, उसका नाम लेने से साधक भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। प्राप्त होगी, ये सबको भर देगा, इसलिए मैं इस बालक का नाम भरत रख रहा हूं। सभा ने जय घोष कर लिया। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। और सुमित्रा के दो पुत्र, इनमें पहला नाम शत्रुघ्न महाराज का रखा, वैसे शत्रुघ्न बिल्कुल छोटे हैं, जिसका नाम लेने से शत्रुता मिट जाएगी, दुश्मनी भाव मिट जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, इसीलिए इस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। और फिर पुनः सभा ने जय जयकार कर, बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्षण धाम सुराम प्रिय, समस्त लक्षणों का जो धाम है और राम जी का प्रिय है, जगत का जो आधार है, वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के इस बालक का नाम लक्ष्मण रखा। और सभा ने जय घोष कर, बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। राम महामंत्र है, और फिर उस महामंत्र का जप कैसे करें, उसकी पद्धति भी इस नामकरण में आई। भरत सबको भर देता है, भगवान के नाम का सुमिरन जप करो तो जहां तक अपनी समझ के मुताबिक
सबको प्रसन्न करो, सबको भर दो। अपनी समझ और अपनी बिल्कुल स्वाभाविक पद्धति से फिर भी किसी को ठीक न लगे तो फिर प्रभु पर छोड़ दो। लेकिन भजन करने वालों का कर्तव्य है जहां तक हो सभी भाइयों और बहनों अपनी जगह पर बैठ जाइए और बापू के मार्ग में रुकावट न कीजिएगा। सब अभी जब अपनी जगह पर शांति से बैठ जाइए। आपके लिए दो सूचनाएं हैं, कल बापू पूज्य बापू विठल भाई के वहाँ सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मिलेंगे। जिन भाई और बहनों को बापू दर्शन करना हो वो विठल भाई के घर जा सकते हैं। दूसरी सूचना, बुधवार के दिन कथा का समय रहेगा, बुधवार के दिन सत्संग का समय रहेगा सुबह 5 बजे से 7:45 बजे तक। वो आखिरी दिन है, नवा दिन है। सभी भाई और बहनों शांति से बैठ जाइए और बापू के मार्ग में रुकावट न कीजिए।
जगदाता।